हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोइन मूवी को। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हमें सुरु और गुड्डू नाम के दो भाइयों को दिखाया जाता है। गरीब होने के कारण ये लोग ट्रेनों से कोयला चुराते हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें, और ये उस कोयले को दुकान पर बेच देते हैं जिसके बदले इन्हें दूध मिलता है। लेकिन इसी दुकान पर सुरु कुछ जलेबियाँ देखता है और वह अपने भाई से बोलता है कि मुझे जलेबियाँ चाहिए। लेकिन उसका भाई बोलता है कि हम अगली बार जलेबियाँ लेंगे। सुरु बोलता है कि अगली बार तो हम पूरी दुकान ही खरीद लेंगे। ये दोनों भाई घर पर चले जाते हैं जहाँ इनकी माँ और एक बहन भी होती है। इनकी माँ इनसे पूछती है कि तुम लोग यह दूध कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन ये दोनों कुछ भी जवाब नहीं देते। बाद में सुरु का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है, लेकिन सुरु बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन गुड्डू बोलता है कि मुझे भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। सुरु के काफ़ी जिद करने पर गुड्डू अपने भाई को अपने साथ ले जाता है, लेकिन सुरु रास्ते में ही अपनी भाई की गोद में सो जाता है। हालांकि गुड्डू अपने भाई सुरु को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरु नहीं उठता। तो गुड्डू यह बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूं और तुम यहीं पर रुक जाना, यहां से दूर मत जाना। सुरु भी अपने भाई को बोल देता है कि आते वक्त मेरे लिए जलेबियां लेकर आना। सुरु वहीं पर सो जाता है, लेकिन देर रात को जब सुरु की आंखें खुलती हैं तब वह स्टेशन पर अपने आप को अकेला पाता है। सुरु यहां पर पूरे स्टेशन पर अपने भाई गुड्डू को ढूंढता है, लेकिन उसका भाई कहीं पर भी नहीं मिलता। वह ट्रेनों की बोगियों में भी देखता है। जब उसे गुड्डू कहीं पर भी नहीं मिलता तब वह ट्रेन की बोगी में ही बैठ जाता है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। लेकिन जब सुरु की आंखें खुलती हैं तब वह अपने आप को चलती हुई ट्रेन में पाता है, और इस बात से सुरु बहुत डर जाता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है, साथ ही इधर उधर भागता है। लेकिन इस डिब्बे के दरवाजे बंद होते हैं जिसकी वजह से सुरु डिब्बे में ही रुक जाता है। हालांकि सुरु मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब स्टेशन पर ट्रेन रुककर उसमें पैसेंजर बैठने लगते हैं तब सुरु यहां से निकल जाता है और वह टिकट काउंटर पर जाकर बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है। लेकिन सुरु की बात को कोई नहीं समझ पाता क्योंकि वह कोलकाता आ पहुंचा है, जो उसके घर से 1600 किलोमीटर दूर है। दरअसल सुरु मध्य प्रदेश के एक खंडवा जिले का रहने वाला है जहां पर उसका छोटा सा गांव था। सुरु यहीं पर कुछ बच्चों को देखता है जो सड़क पर सो रहे होते हैं। सुरु भी उन बच्चों के साथ सो जाता है, लेकिन यहां पर कुछ लोग आते हैं जो इन बच्चों को पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। लेकिन सुरु उन लोगों से बचकर वहां से निकल जाता है, और जब तक सुबह नहीं होती सुरु भागता ही रहता है। सुबह सुरु को एक लड़की मिलती है जिसका नाम नूर होता है। वह सुरु से पूछती है कि तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। नूर को सुरु के ऊपर दया आती है, इसलिए वह सुरु को अपने पास रख लेती है, उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है और बोलती है कि एक आदमी आने वाला है जो तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा देगा। अगली सुबह यहाँ पर राम नाम का एक आदमी आता है। यह आदमी सुरु को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। साथ ही सुरु की सारी बॉडी को चेक करता है, लेकिन सुरु को राम और नूर पर शक होता है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। सुरु कोलकाता के अंदर काफी दिन बिताता है, साथ ही अपनी माँ को बहुत याद करता है। सुरु एक दिन रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है और सुरु उस आदमी की नकल कर रहा होता है जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा होता है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठा आदमी सुरु के पास आता है, उसे खाना देता है। साथ ही वह सुरु को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है ताकि सुरु अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाए। सुरु से उसके गांव का नाम पूछा जाता है, लेकिन वह बोलता है कि मेरे गांव का नाम गणेश तल्ले है। पुलिस वाले इस छोटे से गांव के बारे में कुछ नहीं जानते, और पुलिस वाले अखबारों में इश्तिहार छपवा देते हैं ताकि सुरु के पेरेंट्स अखबार को पढ़कर उस तक पहुँच जाए और सुरु को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। सुरु यहाँ पर काफी समय बिताता है। यहाँ पर जो बच्चे पहले आए होते हैं वो बोलते हैं कि यह जगह जेल है। लेकिन सुरु को एक दिन एक औरत मिलने के लिए आती है, और वह सुरु से बोलती है कि हम ऐसे बच्चों की तलाश में जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। दरअसल यह औरत सुरु से बोलती है कि तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली अडॉप्ट करने वाली है और तुम्हें तुम्हारे नए मम्मी पापा मिलने वाले हैं। इसलिए यह औरत सुरु और उसके साथ और भी बच्चों को अपने घर पर ले आती है, साथ ही उन्हें इंग्लिश की चीज़ें सिखाती है। उसके कुछ दिनों बाद सुरु को ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर उसे लेने के लिए एक कपल आया होता है। इस आदमी का नाम मिस्टर जॉन होता है और इसकी वाइफ मिस्टर सू होती है। ये दोनों सुरु को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने घर पर ले आते हैं, लेकिन सुरु यह घर देखकर बहुत हैरान रहता है। स्टार्टिंग टाइम में सुरु इन लोगों के साथ नहीं घुल पाता क्योंकि सुरु को इन लोगों के साथ अपनापन महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुरु इनके साथ रहना सीख जाता है, इनकी लैंग्वेज भी सीख जाता है। साथ ही सुरु के पेरेंट्स जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है वो लोग सुरु की जिंदगी में कोई कमी नहीं आने देते, वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उसके कुछ टाइम बाद सू और जॉन एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। इस बच्चे का नाम मोंटास होता है। यह बच्चा दिमागी तौर पर कमजोर होता है, साथ ही यह कभी कभी अपने आप को भी चोट पहुंचाता है, लेकिन जॉन और सू इस बच्चे को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं और इसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वे लोग सुरु को करते हैं। एक दिन सुरु की माँ सू रो रही होती है, तब सुरु अपनी मोम के पास जाता है, उसके आंसू पूछता है, साथ ही अपनी माँ को गले लगा लेता है। इस तरह से धीरे धीरे करके 20 साल बीत जाते हैं। सुरु अब बड़ा हो चुका है। सुरु अब अपने माता पिता से बहुत प्यार करने लगता है, लेकिन सुरु को अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से जाना होगा, इसलिए वह अपने पेरेंट्स से अलविदा लेता है। साथ ही अपने भाई मोंटास से भी मिलता है, लेकिन मोंटास और सुरु में कभी बनी नहीं। सुरु अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए एक जगह पर पहुँच जाता है। यहाँ पर सभी बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं। सुरु भी इन लोगों को अपने बारे में बताता है और बताता है कि मैं कोलकाता से हूँ।
और मैं अपना खुद का होटल खोलना चाहता हूँ। शाम को ये सभी स्टूडेंट मिलकर एक पार्टी रखते हैं जिसके अंदर सुरु भी जाता है। ये स्टूडेंट मोस्टली इंडियंस ही होते हैं, इसलिए इंडियंस खाना भी होता है। सुरु यहाँ पर जलेबियों को देखता है और जलेबियों को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसने अपने भाई से कहा था कि मुझे जलेबियाँ लेनी है, और इस बात से सुरु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सुरु के दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, तब वो बताता है कि मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं बचपन में खो गया था, मैं एक ट्रेन में फंस गया जो 2-3 दिन तक चलती रही, और जब मैं पहुंचा तो वह कोलकाता था। लेकिन अब तक तो सुरु अपने विलेज का भी नाम भूल चुका है। यहाँ पर एक लड़का होता है, वह बताता है कि हम ट्रेन की स्पीड और तुम्हारे 2 या 3 दिन ट्रेन में गुजारे गए टाइम को अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो हम पता कर सकते हैं कि तुम आखिर हो कहाँ से, या हम तुम्हारे आसपास के गांव के एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पर और भी दोस्त होते हैं जो सुरु को बोलते हैं कि तुम्हें गूगल अर्थ ट्राई करना चाहिए, लेकिन सुरु अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि सुरु जितना इस बारे में सोचता है उतना ही सैड होता जाता है। यहीं पर एक लूसी नाम की लड़की होती है, सुरु उसके साथ पार्टी से चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं इसलिए दोनों एक साथ सोते हैं, लेकिन सुरु नहीं सो पाता क्योंकि अब सुरु को अपने घर और फैमिली की बहुत याद आने लगती है। इसलिए सुरु गूगल अर्थ की मदद से अपने घर को ढूंढ रहा है, साथ ही वह बहुत सारी कैलकुलेशन भी करता है ताकि उसे अपने गांव के आसपास की लोकेशन का पता लग जाए। लेकिन सुरु नाकाम रहता है, उसे कोई लोकेशन हासिल नहीं होती। इस बात से सुरु को गुस्सा भी आता है, लेकिन धीरे धीरे करके काफी टाइम बीत जाता है। लूसी और सुरु भी एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लूसी एक दिन सुरु को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है ताकि सुरु कुछ बेटर फील कर सके, लेकिन यहाँ पर वह अपने भाई की एक छवि को देखता है। सुरु लूसी को अपने घर पर ले आता है जहाँ लूसी को अपने मॉम डैड से मिलवाता है। यहीं पर डिनर टेबल पर मोंटास भी होता है। सुरु और मोंटास की आपस में कभी नहीं बनती और सुरु मोंटास को बोलता है कि मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता। मोंटास को इस बात से गुस्सा आता है, वह अपने आप को ही मारने लगता है। सुरु की मोम सू भी एक जगह जाकर रोने लगती है। लूसी सुरु को बोलती है कि तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुरु अपनी मोम के पास जाता है और यहाँ पर सुरु को पता चलता है कि उसकी माँ चाहती तो बच्चे कर सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा क्योंकि जॉन ने और लूसी ने डिसाइड किया था कि वो 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना माँ बाप के घूम रहे हैं। सू यहाँ पर सुरु को अपनी बचपन का एक लम्हा बताती है। वह बताती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, मैं अपने डैड को पसंद नहीं करती थी, और वहाँ पर मैंने एक और बच्चे को देखा जो बिल्कुल अकेला और चुपचाप खड़ा था। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करके दिखाऊंगी, और बाद में मेरी जिंदगी में तुम और मोंटास आ गए। सुरु को अपनी मोम की बातों से समझ आ जाता है कि उसे अपनी मोम के साथ गलत नहीं करना चाहिए, उसे अपनी मोम के साथ रहना चाहिए। सुरु एक दिन रात को लैपटॉप के अंदर गूगल अर्थ खोलकर बैठा हुआ था। सुरु यहाँ पर गूगल अर्थ में एक स्टेशन को देखता है जिसके पास पानी की टंकी होती है, और सुरु को पता चल जाता है कि यह तो वही स्टेशन है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ गया था। इसलिए वह इस स्टेशन के आसपास के एरिया को चेक करने लग जाता है। उसे वह जगह भी दिखाई देती है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी, और धीरे धीरे करके उसे अपने गांव का पता चल जाता है। उसके गांव का नाम गणेश तलाई होता है, और आज तक सुरु अपने गांव का गलत प्रोनाउन बोलता आ रहा था। और इस गांव के अंदर वह अपने घर को भी देखता है, और इस बात से वह बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया, और यह वह बात लूसी को बताने के लिए भी जाता है। साथ ही वह यह बात अपनी मोम से भी कहता है कि मुझे मेरा घर मिल चुका है। सुरु के मोम डैड बहुत खुश होते हैं और वे भी चाहते हैं कि सुरु अपने मोम डैड से मिले, इसलिए सुरु अगले दिन ही इंडिया में आ जाता है। सुरु खांडवा के अंदर पहुंच जाता है और उन सभी जगहों पर जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था, और धीरे धीरे करके वह अपने गाँव में ही पहुंच जाता है, और उन्हीं गलियों से होता हुआ जिस गलियों में उसने अपना बचपन गुजारा, और आखिरकार अपने घर तक पहुंच जाता है। लेकिन अब यह घर बिल्कुल टूट चुका है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। सुरु यहाँ पर लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सुरु की भाषा कोई नहीं जानता क्योंकि वह इंग्लिश में बात करता है। यहीं पर एक पढ़ा लिखा आदमी भी होता है। सुरु उसे अपनी बचपन की फोटो दिखाता है और बोलता है कि मैं सुरु हूँ। यह आदमी सुरु को पहचान जाता है और सुरु को एक जगह लेकर जाता है जहाँ से एक सामने से बूढ़ी औरत आ रही होती है, और यह कोई नहीं बल्कि सुरु की माँ होती है जिसने सुरु को जन्म दिया और पाला है। सुरु की माँ सुरु को देखकर बहुत खुश होती है। यहीं पर सुरु की बहन भी होती है जो बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर बाकी गाँव के लोग भी होते हैं जो बहुत खुश होते हैं। सुरु जब यहाँ पर अपने भाई के बारे में पूछता है, तब सुरु को पता चलता है कि जिस रात सुरु को उसका भाई स्टेशन पर छोड़कर गया था, उसी रात उसके भाई गुड्डू की भी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस तरह से एक माँ ने एक ही दिन में अपने 2 बेटों को खो दिया। लेकिन सुरु की माँ को उम्मीद थी कि उसका बेटा सुरु एक ना एक दिन वापिस जरूर आएगा। रात को सुरु ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने मोम डैड को भी कॉल करता है और बताता है कि मुझे मेरी माँ मिल चुकी है। उसके मोम डैड खुश होते हैं। सुरु बताता है कि आज भी आप मेरे उतने ही मोम डैड हो जितने पहले थे, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। सुरु उन सभी जगहों को देखता है जहाँ पर वह अपने भाई के साथ हर एक पल को गुजारता था। सुरु को यहाँ आकर अपने बचपन की याद आने लगती है, और हमें यहाँ पता चलता है कि सुरु का असली नाम शेरू था। मूवी के आखिर में हमें असली फुटेज को दिखाया जाता है जहाँ पर इसी गांव के अंदर शेरू के ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स आते हैं। शेरू की ऑस्ट्रेलियन माँ और शेरू की बायोलॉजिकल माँ एक दूसरे को गले लगाती हैं।
और इस तरह से शुरू को अपनी माँ मिल जाती है। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।